स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। इससे पहले हम 2.1 से लेके 2.4 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले डिस्क्रिप्शन से आप वो देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर। ग्रेटर बताना है हमने कि कौन सा ग्रेटर है। दो दिए हुए हैं हमें, 0.5 और 0.05। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, तो 5 अपॉन में 0.5 लिखो या 0 खाली 5 लिखो, एक ही बात है। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 है, तो 1 डिजिट है, तो 1 के आगे क्या लगाएंगे, 10, ठीक है, और या एंड लिख दो, एंड ये क्या है, 0.05, तो ये क्या है, 0.5 लिख देंगे। और नीचे पॉइंट के बाद क्या है, 2 डिजिट है, तो 1 के आगे कितनी जीरो लगेंगी, 20। अब हमने बताना कि ग्रेटर कौन सा है। उससे पहले हम जो न्यूमरेटर है उसको इक्वल करेंगे। अब इसमें 100 है तो इसको भी 100 करेंगे। 100 करने के लिए इसको क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 10 से करेंगे तो ऊपर भी 10, ताकि कुछ फ़र्क ना पड़े। तो अब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 10 50 हो जाएगा और नीचे 100। अब ये 50/100 है, ये 5/100, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब इस नंबर को देखो, 50 है और 5 है, तो कौन सा बड़ा है, 50 वाला बड़ा है। तो हम क्या कहेंगे कि 50 वाला कौन सा है, 0.5, तो 0.5 ग्रेटर 0.05। तो हमें पता लग गया कौन सा बड़ा है, ये 0.5, तो हमें लिखेंगे 0.5 ग्रेटर 0.05, क्योंकि ये वाला 50 बड़ा है 5 से, तो इसलिए 0.5 ग्रेटर 0.05। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा 0.7 और 0.5, तो 0.7 और 0.5, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 7, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, तो 1 के आगे 10, एंड इसका पॉइंट हटाएंगे तो 5 अपॉन में, पॉइंट के बाद क्या है, 1 डिजिट है, तो 1 के आगे 0। अब इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें देखो, 7 ग्रेटर देन 5, 7 बड़ा है नंबर, तो हम लिखेंगे एज 7 ग्रेटर देन 5, तो हमारा क्या आया, 0.7 ग्रेटर 0.5, क्योंकि 7 किसका है, 0.7, तो 0.7 ग्रेटर 0.5। तो ये हमने ग्रेटर बता दिया, ये हमारा ग्रेटर है किससे, इस 0.5 से। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 7 और 0.7, तो 7 को क्या लिखेंगे, 7 इसमें तो पॉइंट है नहीं, एंड 0 इसका पॉइंट हटाएंगे, 7, तो इसके बाद पॉइंट के बाद क्या है, 1 डिजिट है, तो नीचे 10 लग जाएगा। अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, 1 है, तो अब इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए। तो 10 से ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे, तो हमारा क्या हुआ, ये 70 हो गया बाय 10 एंड 7/10। तो अब इसमें नीचे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो बड़ा कौन सा है, 70, तो एज 70 ग्रेटर 7 से, तो क्या कह सकते हैं हम, 7 ग्रेटर 0.7। तो ये हमें पता लग गया कि 7 ग्रेटर है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 1.37 और 1.49। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद क्या है, 2 नंबर, तो 1 के आगे 20 लगाएंगे, एंड इसमें क्या है, 1.49, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो 1 के आगे 20, तो डिनोमिनेटर सेम है। तो अब इसमें क्या है, 137 क्या है, 149 से लेस है हमारा,
तो हम क्या कह सकते हैं, 137 लेस देन 149। तो 137 इसका है तो क्या कहेंगे, 1.37 लेस है 1.49 से। तो हमारा ग्रेटर कौन सा है, ये वाला 1.49। तो ये हमारा आंसर हुआ। फिफ्थ पार्ट करते हैं, तो फिफ्थ पार्ट हमारा 2.03 और 2.30। तो पहले पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या आया, 203 अपोन में क्या आया, पॉइंट के बाद टू डिजिट है तो वन के आगे 20 एंड 230। पॉइंट के बाद टू डिजिट है तो वन के आगे 20। तो हम क्या कह सकते हैं, 203 लेस है किसे, 230 से। ये नंबर लेस है 203 230 से, तो इससे क्या हुआ, 2.03 लेस है 2.30 से। तो यही हमने, हमारा ग्रेटर नंबर क्या हुआ, ये वाला, क्योंकि ये लेस है 2. तो ये हमारा ग्रेटर हुआ। सिक्स पार्ट करते हैं, सिक्स पार्ट हमारा 0.8 और 0.88। तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के लिए क्या, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो क्या लगेगा, वन के आगे 10 एंड अब इसमें 88 है और पॉइंट के बाद क्या है, टू डिजिट है तो वन के आगे 20 लगेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या आया हमारा, 80/100 एंड ये हमारा आया 88/100। तो 80 क्या लिखेंगे, एज 80 लेस देन है 88 से। तो हम क्या कह सकते हैं, 0.8 होगा लेस 0.88 से। तो ये हमारा आंसर हुआ, ग्रेटर क्या हुआ, 0.88 या 0.8 लेस देन 0.88 लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, रुपीज में कन्वर्ट करना हमने डेसिमल लगा के। तो हमारा क्या है, 7 पैसे। तो हमें पता है 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो अब 7 पैसे है तो इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 7/100, क्योंकि हमें पैसे दिए हुए हैं तो रुपीज हमें बनाने हैं, तो इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें रुपीज बन गए। अब 7/100 मीन्स क्या होगा, 20 है तो यानी कि 2 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा। तो नंबर तो है 1 तो उसके आगे हम 0 लगा देंगे और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 0.07 रुपीज, राइट। अब हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारा है 7 रुपीज, रुपीज दिए हुए और 7 पैसे। तो क्या करेंगे हम, तो ये 7 रुपीज प्लस में हो जाएगा, 7 पैसे है तो इसको रुपीज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7/100, पैसे का रुपीज बनाना है तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, 7 रुपीज प्लस में ये रुपीज क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 है तो 2 नंबर से पहले पॉइंट, तो 1 ये है, 10 लगा देते हैं तो 0.07। तो ये हमारे रुपीज आगे, इसको प्लस कर देते हैं हम, ये 7 में 0.07 प्लस करेंगे तो 7.07 रुपीज। ये रुपीज आगे लिख लो या पीछे लिख लो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 7.07 रुपीज हमारा सेकंड का आंसर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 77 रुपीज प्लस एंड 77 पैसे। तो क्या करेंगे, 77 रुपीज एज इट इज प्लस में हो जाएगा 77 अपॉन में 100 पैसे हैं तो रुपीज बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड।
तो हमारा ये क्या बनेगा 77 रुपीज प्लस में इसको डिवाइड करेंगे 20 है तो 2 नंबर से पहले पॉइंट, 2 नंबर हमारे पास है तो पॉइंट लग जाएगा, इसको 0 भी कह सकते हैं। इसको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आया 77.77 रुपीज, तो ये हमारा रुपीज में कन्वर्ट हो गया। फोर्थ पार्ट है 50 पैसे, तो पैसे इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 50 को 100 से डिवाइड कर देंगे। जब भी पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना है, तो ये हमारा 50/100 आ गया। तो अब इसको पॉइंट में लिखना है तो क्या हो जाएगा रुपीज, और इसको डिवाइड 20 है तो 2 नंबर से पहले 1 2, तो ये 50 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा रुपीज 0.50। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हुआ। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारा 235 पैसे, तो इसको क्या करेंगे रुपीज बनाने के लिए 235 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड किया तो ये हमारा क्या आया रुपीज, और 2 नंबर से पहले पॉइंट 1 2, तो ये 5 3 इससे पहले पॉइंट लग जाएगा और ये हमारा 2 है। 235 था तो 20 थी तो 2 नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया तो ये हमारे रुपीज बन गए। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट था, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन हमारा एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को हमने पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हम इसके मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो ये हमारा क्या बन गया मीटर। अब इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 20 है तो 2 नंबर से पहले पॉइंट, एक ही नंबर है तो एक जीरो लगा लेते हैं, यहाँ पॉइंट 0.05, ये हमारा क्या आ गया मीटर। दूसरा इसने कहा है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। अब देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और हमने किलोमीटर चेंज करना है, और 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000, तो 1000 और उसमें 30 होंगी और इसमें 2, तो 3 और 2 5, तो हम क्या कह सकते हैं 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे 1 के आगे 50, ये हमारे सेंटीमीटर होंगे। तो पता लगा आपको 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब किलोमीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 में 30 होती है तो 30 वो और 20 यू, तो ये 1 के आगे 50 लग जाएंगी, 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें इसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा किलोमीटर बन जाएगा। तो क्या हो गया 5 डिवाइड 1 के आगे 50, ये हमारा क्या बन गया किलोमीटर। अब इसको डिवाइड कर दो, 50 है तो 5 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा 5, अब 0 4 0 लगा लो तो ये 5 डिजिट हो गए, यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 1 0 आगे लगा दो, ये क्या बन गए हमारे किलोमीटर। तो हमें क्या बताना था, एक तो मीटर में चेंज करना था, एक हमने किलोमीटर में चेंज करना था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसका थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड है एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर, हमें 35 मिलीमीटर गिवन है और इसको हमने किसमें चेंज करना है सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमारा क्या होता है 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, तो ये हमें क्या करना होता है इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो इसको क्या करेंगे 35 डिवाइड हो जाएगा सेंटीमीटर में करने के लिए, 35/10 सेंटीमीटर बन जाएगा, तो 35/10 इसको पॉइंट में लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो एक तो हमें सेंटीमीटर में चेंज करना था, दूसरा क्या था मीटर में चेंज करना है, तो इसी को हमने 35 मिलीमीटर को हमने किस में चेंज करना है मीटर में। तो मीटर में क्या होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और
सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो किससे डिवाइड करेंगे इसको, 1000 से, 100 और ये 10 कितना हो गया 1000, तो अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मीटर, तो 35 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 3 जीरो हैं तो 3 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा। अब 2 नंबर है तो 10 लगा देते हैं और यहाँ पॉइंट, तो 0.035 ये हमारा मीटर बन गया। अब इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर में, तो ये हमारा फर्स्ट हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, सेकंड किलोमीटर में, और थर्ड हमें चेंज करेंगे किलोमीटर में, तो 35 मिलीमीटर। अब ये किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में क्या होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 ये हो गया और 1000 ये है, तो यानी कि 30 उसमें 3 इसमें, तो किससे डिवाइड होएगा ये 1 के आगे कितने जीरो लगेंगी 6, तो हमारा ये बन गया किलोमीटर। अब इसको पॉइंट में लिख दो, तो पॉइंट में क्या होएगा 0. ये 60 हैं तो 2 नंबर ये हैं तो कितनी जीरो लगेंगी 4 लग जाएंगी और 3 5, ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए, तो ये हमारा आ गया किलोमीटर। तो ये हमारा थर्ड का किलोमीटर में चेंज हो गया, तो हमें ये सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में चेंज करना था। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस इन किलोग्राम, ग्राम में दिया हुआ है, इसको किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम के लिए क्या करेंगे, इसको 200 डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि किलोग्राम बनाना है और हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो इसलिए हम ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। तो अब ये क्या हुआ, कितना आया हमारा पॉइंट में 20 से 20 कट गई, 2 by 10 तो 10 है, तो 1 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट और 0, तो ये क्या गया 0.2 किलोग्राम, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना था। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे, हमारा 3470 ग्राम, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखना आपने ब्रैकेट में, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, तो इसको 3470 को किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये हमारा क्या बन गया किलोग्राम। अब इसको 0 से 0 कैंसिल, अब नीचे कितने हैं 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा, 3 4 7 है तो 1 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये क्या बन गया किलोग्राम। हमारा थर्ड पार्ट है 4 किलोग्राम और 8 ग्राम, तो ये क्या होगा, ये तो किलोग्राम है ही, तो ये एज इट इज 4 किलोग्राम प्लस इसके किलोग्राम बनाएंगे, तो 8 को किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये हमारे क्या बन गए किलोग्राम। तो अब इसको 4 किलोग्राम एज इट इज आपने लिखना है कि 1 किलोग्राम किसके बराबर है 1000 ग्राम के, रीजन जरूर बताना है बिकोज करके, तो 4 किलोग्राम प्लस, अब 1000 है 30 है तो कहाँ आएगा पॉइंट, 3 नंबर के बाद, 3 नंबर से पहले, तो 1 तो ये हो गया 101, ये 3 नंबर हो गए 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और ये 0, ये बन गया हमारा किलोग्राम। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये क्या बन गया 4.008 किलोग्राम, तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट है। अब नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन से पहले हमें ये टेबल पता होनी चाहिए, क्योंकि जो डेसिमल हमें दिए हुए हैं उसमें अगर हमारा 100 में है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 10 पे है तो 10 से,
और वंश पे है तो वन से, और टेंथ ये पॉइंट के बाद स्टार्ट होते हैं, टेंथ हंड्रेड थाउजेंड ऐसे नंबर, तो पॉइंट के बाद जो नंबर होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन बाय टेन से, और हंड्रेड वाला होगा तो वन बाय हंड्रेड से, और थाउजेंड वाला होगा तो वन बाय थाउजेंड से। तो ऐसे हमें मल्टीप्लाई करने हैं एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए। तो शुरू करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर आपको गिवन है, इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना है। तो ये क्या है, 20.03। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है वंज, ये टेंज, टेंज को किससे करते हैं मल्टीप्लाई, टेन से, तो टू इंटू टेन, प्लस में ये वंज है तो जीरो इंटू वन हो जाएगा। ये क्या है हमारा, पॉइंट के बाद जो होते हैं तो ये इसको क्या करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वन बाय टेन से, पॉइंट के बाद जो होते हैं इसको वन बाय टेन से, फिर वन बाय हंड्रेड, फिर वन बाय थाउजेंड से। तो जीरो को वन बाय टेन से, ये सेकंड नंबर पे है तो वन बाय हंड्रेड से, ये हमारी क्या होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा है 2.03। तो अब ये पॉइंट के बाद क्या है, ये वंज है, तो इसको टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन से, प्लस पॉइंट के बाद स्टार्ट हो गए तो इसको जीरो को किससे करेंगे, वन बाय टेन से, प्लस थ्री ये सेकंड नंबर पे है तो इसको वन बाय टेन से, तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। अब थर्ड पार्ट करते हैं, 200.03। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो वंज टेंज, ये हंड्रेड, हंड्रेड की उसमें है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हंड्रेड से, प्लस ये टेंज पे है तो जीरो को किससे, टेन से, प्लस ये वंज पे है तो जीरो को वन से, प्लस अब पॉइंट के बाद के नंबर स्टार्ट हो गए तो इसको क्या करेंगे, जीरो को वन बाय टेन से, प्लस ये सेकंड नंबर पे है तो थ्री को वन बाय हंड्रेड से, तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट हमारा 2.034। तो इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट के बाद क्या है, वन है बस, तो इसको टू इंटू वन, प्लस उसके बाद पॉइंट के बाद के स्टार्ट हो गए तो जीरो को वन बाय टेन से, सेकंड नंबर वाला है जो उसको हंड्रेड से, वन बाय हंड्रेड, ये फोर को, ये हमारा यहाँ पे प्लस है, फोर फोर थर्ड नंबर पे है तो इसको क्या करेंगे, वन बाय थाउजेंड से, तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो हमारी इस एक्सरसाइज के फाइव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।